आज हम मौजूद है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी यानी कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की न्यू बिल्डिंग में फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में, और यहाँ पर फ्यूचर के फार्मासिस्ट WPD 2022 मना रहे हैं। WPD का मतलब होता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2022। वर्ल्ड फार्मासिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है, जिसमें फार्मासिस्ट का रोल डिस्प्ले किया जाता है लोगों के सामने कि फार्मासिस्ट का कम्युनिटी में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्री में क्या रोल है। तो मैं आज आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम WPD के बारे में आपको कुछ क्लिप्स दिखाएंगे जो हम लोगों ने सेलिब्रेट किए थे अपनी फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में। एक फार्मासिस्ट का कम्युनिटी के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, टीचिंग में बहुत अहम रोल होता है। उसी रोल को वाजे करने के लिए मैंने अपने टीचर से रिक्वेस्ट की है कि वो एक एक करके एक एक रोल आपको बता दें। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के मौके पर मैं अपने तमाम फार्मासिस्ट के लिए ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 25 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन मेरे नज़दीक हर दिन फार्मासिस्ट का डे होना चाहिए, क्योंकि हर दिन फार्मेसी प्रोफेशन जो है वो, जिसमें आपका डॉक्टर के साथ, नर्सिस के साथ, फार्मासिस्ट के साथ, हॉस्पिटल में, कम्युनिटी फार्मेसी में, एकेडमिया में, हम सब इसका रोल होना चाहिए और है भी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल फार्मेसी प्रोफेशन को ज़्यादा फ़र्क मिल रहा है, पहले भी फार्मेसी प्रोफेशन था लेकिन उसकी अवेयरनेस इसलिए ज़्यादा नहीं थी कि इस पर इतना काम नहीं हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में फार्मेसी प्रोफेशन पे इतना काम हो रहा है और कोशिश ये हो रही है कि कम्युनिटी फार्मेसी में, रिटेल फार्मेसी में फार्मासिस्ट ही पेशेंट को मेडिसिन डिस्पेंस करें, ताकि राइट मेडिसिन राइट पेशेंट को राइट इंडिकेशन, राइट एडवाइस के साथ तजवीज़ की जा सके, और जो कि इंतहाई ज़रूरी है। अब से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में दिन ब दिन इस पर तरक्की हो रही है और इस पर बहुत तेज़ी से काम भी जारी है। इसके लिए मैं तमाम फार्मासिस्ट, अपने सीनियर्स की, जूनियर्स की मशहूर हूँ कि वो इस अवेयरनेस को दिन ब दिन फ़रोग देते जा रहे हैं। शुक्रिया। हाँ, जैसा कि आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज हम सोसाइटी को अवेयर कर रहे हैं कि फार्मासिस्ट कितना इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम और डेवलप कंट्रीज़ के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम क्यों स्ट्रांग है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में कि वो हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रांग है और हमारा वीक है? बिकॉज हमारे पास फार्मासिस्ट का रोल ना होने के बराबर है या बहुत कम है। फार्मासिस्ट एक हेल्थ केयर सिस्टम का एक पिलर है, मेन पिलर है, इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। जब वो सिस्टम में से आउट हो जाएगा या उसका रोल आउट हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमारा सिस्टम वीक हो जाएगा। हम वही चीज़, क्योंकि हमारे पास ना कंसल्टेशन है, ना हमारे पास काउंसलिंग है, ना पेशेंट के साथ कोई हमारी डीलिंग हो रही है। मोस्टली फार्म डी आने के बाद तो रोल और इन्हांस हो गया है, क्योंकि फार्मासिस्ट डायरेक्ट पेशेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, चाहे वो उसकी मेडिसिन से मामलात के बारे में हो, चाहे उसकी यूटिलाइजेशन के मामलात के बारे में हो, चाहे उसकी पेशेंट काउंसलिंग के मुताबिक हो, पेशेंट कंप्लायंस के मुताबिक हो, हर जगह पे वो अपना बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है। मैं एक टीचर हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पॉइंट पे बात करूँ कि एक टीचर फार्मासिस्ट कितना इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक टीचर ये कि एक प्रोफेशन को बनाता है, वो जनरेशन को बनाता है। जब हमारी हेल्दी जनरेशन क्रिएट होगी तो वो हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी। डेवलप कंट्रीज़ के अंदर फार्मासिस्ट को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है, बिकॉज उसका वो मकाम है। हमारे पास उसकी ना होने की वजह से हमारा हेल्थ केयर वीक है। तो मैं हमेशा इस चीज़ पर खुशी होती है जब भी वर्ल्ड फार्मासिस्ट आता है कि ये वो डे है जिसमें सोसाइटी को पता चल रहा है कि फार्मासिस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है और फार्मासिस्ट कितना इम्पॉर्टेंट है। जब ये चीज़ हमें अवेयर हो जाएगी तो हम समझते हैं कि हमें भी कोई इशू नहीं होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के हिसाब से। सबको बहुत बहुत मुबारक हो, खासतौर पर फार्मासिस्ट को, और सोसाइटी में अपना रोल प्ले करते रहें कि सोसाइटी हमें ट्रस्ट कर सके कि फार्मासिस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है और कितना इम्पॉर्टेंट है।
आज मैं आप लोगों को कम्युनिटी फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट का क्या किरदार है उसके हवाले से मैं आप लोगों को चंद चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले मेरा तकरीबन एक साल का एक्सपीरियंस है कम्युनिटी फार्मेसी में, तो जहाँ मैंने ये चीज़ मिस की है कि एक कम्युनिटी फार्मेसिस्ट एक आम आदमी को उसको अपनी वैल्यू बतानी है कि मैं यहाँ किस रीज़न की वजह से हूँ। उसके अलावा सेकेंड पॉइंट मेरे हवाले से फार्मासिस्ट के रोल में ये आ जाता है कि यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत नेगलिजेंस पाई जाती है, तो उस हवाले से फार्मासिस्ट यहाँ अपना किरदार अदा करेगा कि एक मेडिसिन सेफली किस तरीके से अपने पेशेंट को पहुँच रही है। जैसे यहाँ पे तो अक्सर हमें तीन लाइंस बता दी जाती हैं कि आपको ये मेडिसिन लेनी है, बट वो तीन लाइंस का मतलब बताना होता है कि आया ये अपने 6-6 आवर्स के इंटरवल से लेनी है, कब लेनी है, और कोई मेडिसिन जो है वो आपको दूध के साथ नहीं लेनी होती। तो यहाँ बहुत काउंसलिंग का रोल आ जाता है फार्मासिस्ट के पास। यहाँ पे हमारे बहुत एक चीज़ लैक की जाती है, बट बाहर के ममालिक में ये चीज़ बहुत आम है कि एक फार्मासिस्ट जो है वो वैक्सीन फार्मासिस्ट के ही अंडर रन हो रही होती हैं। तो कम्युनिटी फार्मेसी एक बहुत एक कह सकते हैं कि आपका मरकज़ है जहाँ आप वैक्सीन्स को वाइडली अपनी पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज WPD के मौके पर मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रोल के हवाले से। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो फिजिशियन के साथ मिलकर और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में लाइक हॉस्पिटल लाइक क्लिनिक में वो मेडिसिन के हवाले से बताता है। वो सिर्फ पेशेंट को डील नहीं करता, बल्कि साथ साथ जो है पैरामेडिक स्टाफ होगी और इसके साथ साथ जो है हमारी नर्सिंग स्टाफ होगी उनको भी गाइड करता है कि हाउ टू टेक मेडिसिन इन विच क्वान्टिटी एंड हाउ टू यूज़ मेडिसिन। आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के मौके पर मैं आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के में फार्मासिस्ट का रोल बताना चाहता हूँ। ये R&D डिपार्टमेंट ही होता है जिसके थ्रू कंपनीज मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन स्टेबल करती हैं। R&D डिपार्टमेंट फार्मासिस्ट जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स होती हैं उनकी डिवेलपमेंट करता है और जो न्यू डिजीज़ होती है उन पर रिसर्च करके नई नई ड्रग्स जो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाता है। आज WPD के मौके पर मैं आपको हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट का रोल बताना चाहूँगा कि हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। तो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें यह है कि मेडिसिन को हॉस्पिटल में ले आने से पेशेंट तक डिलीवर करने के दरमियान जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस को डील करना होता है। ड्रग मैनेजमेंट सिस्टम को देखना होता है, ड्रग स्टोरेज सिस्टम को देखना होता है कि किस टेम्परेचर पे किस एनवायरमेंट में इसको स्टोर करना चाहिए, पेशेंट तक डिलीवर करने के टाइम पे पेशेंट का काउंसलिंग करना, ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना, ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पेशेंट को बताना, ड्रग फूड इंटरेक्शन के बारे में पेशेंट को बताना। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेशेंट केयर प्लान जो है ये एक फिजिशियन और फार्मासिस्ट के दरमियान एक इंटरेक्शन होता है। इसमें ये होता है कि फार्मासिस्ट फिजिशियन के साथ मिलके ये देखना होता है कि किस तरह हम पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं। We are proud to be pharmacists. We are proud to be a drug expert. We are proud to be healthcare professionals. We will try our best to improve healthcare system. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली मरतबा आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई ऐसा रोल पता हो जो कि हम लोगों ने आपको नहीं बताया हो तो उस रोल को आप कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।